हमारे साथ इस वक्त राज्यसभा सांसद शिवसेना की जुड़ रही हैं प्रियंका जी, स्वागत है आपका आज तक पर। अगर थोड़ा भी इंटरव्यू का हिस्सा आपने गुप्तेश्वर पांडे जी का सुना होगा तो उसमें वो बार बार ये कह रहे थे कि एक आईपीएस अधिकारी जांच के लिए गए थे, उन्हें धोखे से क्वारंटाइन में जबरन डाल दिया गया है। इस बात को लेकर वो पूछ रहे हैं कि बिहार पुलिस को आखिर जांच करने से महाराष्ट्र पुलिस क्यों रोक रही है, क्या होगा आपका इस पर जवाब? प्रियंका जी, मैं करीब 15 मिनट से उनकी इंटरव्यू ध्यान से सुन रही थी। और आपने मुंबई पुलिस कमिश्नर का भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, जहां पे उन्होंने कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं की है। वो उनका जो काम है, जो आईपीएस ऑफिसर्स का काम होता है, जो मुंबई पुलिस का काम होता है, उससे रिलेटेड, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड सारे जो सवाल उनके सामने रखे गए थे उसका जवाब दिया। पर आपने उनसे काफी मुद्दे पूछे थे, आपने संजय राउत जी का स्टेटमेंट प्ले किया, उसका भी उन्होंने जवाब दिया। तो जिस तरीके से वो जवाब दे रहे थे उसमें कहीं ना कहीं एक राजनीति सामने आ रही थी कि किसी तरीके के राजनीतिक रंग रूप ले रहा है उनका पूरा इन्वेस्टिगेशन भी। यहाँ पर बस दो तीन चीजें कहना चाहूंगी। शायद बिहार में ये इन्वेस्टिगेशन हो या क्वारंटीन का हो या कोविड की लड़ाई हो, इतनी सीरियसली नहीं लड़ी जा रही होगी जितनी मुंबई में लड़ी जा रही है। कारण है लड़ने का, क्योंकि मुंबई में आंकड़े जो थे बढ़ रहे थे, और अब जब कंट्रोल में आए हैं, नियंत्रण में आए हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि सुरक्षा रखना जरूरी है। बीएमसी ने क्या किया? बीएमसी बस आपसे जाकर मिली और आपको बताया कि ये इस तरीके का क्वारंटीन की जरूरत है, ये स्टेट नोटिफिकेशन है, पर आपको अगर एग्जेम्पशन चाहिए कल आप जाकर आप स्टेट गवर्नमेंट में एमसीजीएम के जो भी रूल्स हैं आप वो करके आप इन्वेस्टिगेशन जारी रखिए। रातें रात गुप्तेश्वर पांडे जी ने वीडियो भेज दिया, उन्होंने वो स्टैम्प दिखा दिया, उन्होंने ये नहीं बताया देश की जनता को कि बकायदा बीएमसी ने समर्थन देते हुए कहा कल सवेरे आपको हमने बस इसीलिए बुलाया है, इसीलिए आपसे बातचीत की है कि आपको बता दें, आपको अवगत करा दें कि इस तरीके के मापदंड हैं, क्वारंटीन की जरूरत है, पर अगर ये एग्जेम्पशन चाहिए आप कल ये जाकर कर दीजिए। अरे अगर आप खुद कानून संभालने वाले हैं, कानून की जिम्मेदारी आपकी है, तो जो प्रक्रिया है दूसरे राज्यों की उसमें फॉलो करने में यहाँ पे इनको तकलीफ क्या हो रही है समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरीके से आज गुप्तेश्वर जी बात कर रहे थे, मैंने खुद ने उनके वायरल वीडियोज देखे हैं, आज जब बात कर रहे हैं उनके कहीं राजनीतिक रूप रंग दिखाई दे रहा है। प्रियंका जी एक पक्ष परिवार भी है, उनके पिता को एक बार आप सुन लीजिए, एक रिएक्शन उस पर लेंगे। के सिंह साहब ने कहा है कि मैंने 25 फरवरी को भी शिकायत दी थी बांद्रा पुलिस को, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक बार सुनिए वो क्या कह रहे हैं। जी 25 फरवरी को मैंने बांद्रा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। 14 जून को जब मेरे बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हाई कोर्ट में पटना गया और अपने थाने में केस एफआईआर दर्ज की। पटना पुलिस तुरंत एक्शन में आई और परंतु मुजरिम अब भाग रहे हैं। हम सभी को चाहिए कि पटना पुलिस को मदद करें। श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार और उनके सहयोगी मंत्री श्री संजय झा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस दुख घड़ी में सच का साथ दिया। संजय राउत शिवसेना के नेता भी इस पूरे मुद्दे पर आज तक से बातचीत कर रहे हैं, और जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि जांच को लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है, सुनिए उन्होंने क्या कहा। अभी बिहार में चुनाव का माहौल है। यह चुनाव की राजनीति एक व्यक्ति की मृत्यु के बारे में नहीं होनी चाहिए। नीतीश कुमार जी बहुत समझदार नेता है, मैं मानता था आज तक कि नीतीश कुमार जी बहुत समझदार नेता है, उनको सब कुछ मालूम है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इस बारे में राजनीति करना ठीक नहीं है। हम मानते हैं, हमारी पूरी संवेदना उनके परिवार के साथ है, जो व्यक्ति का मृत्यु हो गई उनके साथ है। मुंबई की पुलिस सक्षम है, पूरे देश को और पूरे विश्व को मालूम है। मुंबई की पुलिस की तुलना स्कॉटलैंड यार्ड के पुलिस से हमेशा लोग करते आए हैं, तो क्या ये पुलिस का मूर्ख है क्या? मुंबई में जो पुलिस कमिश्नर बैठे हैं बहुत ही कामयाब और होशियार पुलिस कमिश्नर है, इन्वेस्टिगेशन टीम बहुत होशियार है, और आज तक मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस का ये रिपोर्ट देवेंद्र फडणवीस की ठीक है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उनकी पत्नी ने यह भी कह दिया कि मुंबई बेकसूरों के रहने लायक अब नहीं है, तो संजय राउत जी ने इस पर क्या जवाब दिया है वो भी जल्दी से सुन लीजिए।
देवेंद्र फडणवीस अब नेता प्रतिपक्ष है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। अभी 6 महीने पहले तक फडणवीस साहब मुख्यमंत्री रहे और गृह मंत्रालय उनके पास रहा, यही पुलिस उनके साथ थी, तब ये पुलिस डिपार्टमेंट अच्छा रहा, बहुत पारदर्शक था, और अचानक 6 महीने में कैसे बदल गया सब कुछ। राजनीति करने का समय होता है, राजनीति करने का प्रसंग होता है, ये प्रसंग नहीं है। 6 महाराष्ट्र में पूरे देश में क्या चल रहा है और आप क्या बोल रहे हो, यही पुलिस है जो आपके साथ रही ना 5 महीने पहले, 6 महीने पहले आप मुख्यमंत्री रही देश के, इस राज्य के, और बहुत कामयाब पुलिस रही आपके साथ, ये डिप्यूटेड पुलिस डिपार्टमेंट है हमारा, ये आपको भी मालूम है। राम कदम जी विधायक जी, राम कदम जी विधायक जी, नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।